दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले विकी कौशल की आने वाली फिल्म भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप पे दिखाए जाने वाले सीबर्ड शिप पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन भी थी कि मूवी में जो शिप की कहानी दिखाई जा रही है वो मुंबई के जुहू बीच वाले शिप पर बनी है और सीबर्ड शिप पर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा कि ये मूवी कौन सी रियल इंसिडेंट पे बनी है या फिर इस मूवी की स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन है, कोई रियल नहीं। तो चलिए, वक्त को और जाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, बात करीब 2011 की है, जब 13 जून 2011 में मुंबई के जुहू बीच पे एक बड़ा सा मालवाहक जहाज आके फंस गया जो कि 145 मीटर लंबा था और इस जहाज का वजन तकरीबन 9000 टन था। इस जहाज पे एक फ्लैग भी था जो कि सिंगापुर का था, लेकिन इस जहाज में मिस्ट्रियस बात ये थी कि इस जहाज पे एक भी इंसान नहीं था, जहाज पूरी तरीके से खाली था। सो द क्वेश्चन अराइज इज, बिना कोई चालक के ये जहाज यहाँ आके कैसे फंस गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि यह जहाज श्रीलंका के कोलंबो से गुजरात के अलंग स्क्रैप यार्ड में टो करके, यानी कि चेनों से बांध कर ले जाया जा रहा था, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले ही बीच में हाई टाइड यानी तूफान आने की वजह से ये चेन टूट गई। उसके बाद इतने बड़े जहाज को वहां से आगे ले जाना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए उस जहाज को वही छोड़ दिया गया और हाई टाइड्स के वजह से जहाज बहते हुए जुहू बीच पे आ पहुंचा। शुक्र की बात तो ये थी कि यह जहाज बहते हुए मुंबई के बांद्रा सीलिंग से नहीं टकराई और ना ही ऑयल रिफाइनरी से, जबकि ये दोनों चीजें जुहू बीच से बहुत करीब थी। इसे देखने के लिए जुहू बीच पे लोगों का टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। लोग यहाँ इसे देखने आते, फोटोज और सेल्फीज क्लिक करते, बीच के किनारे बैठ के इस सुंदर नज़ारे का मजा उठाते। लेकिन जितना ज़्यादा लोग इसे देखने आने लगे, उतनी ज़्यादा इस जहाज के बारे में कहानियाँ बनने लगी कि यह जहाज भूतिया है, यह जहाज श्रापित है, बिना चालक की यह जहाज कैसे चल रही थी और भी बहुत कुछ। दोस्तों, इस इंसिडेंट के 3 साल पहले मुंबई में 2008 में 2611 वाला भयंकर हादसा हुआ था। इसी वजह से जब एक अननोन जहाज बिना कोई चालक के सबके नज़रों में आया तो मीडिया और लोगों द्वारा काफ़ी सारे सवाल किए गए सेफ्टी को लेकर, तभी इस जहाज की इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता लगा कि इस जहाज ने अपने काफ़ी सारे नाम बदले हैं। दरअसल वो इसलिए बदलते थे क्योंकि जब भी इस जहाज को कोई लंबे समय तक किराए पे लेता तो इसका नाम बदल देता। स्क्रैपिंग से पहले इसका लास्ट नाम एमबी विजडम था। यह जहाज तकरीबन 26 साल पुराना था। तकरीबन 22 दिनों की कोशिशों के बाद इस जहाज को फाइनली जुहू बीच से गुजरात के अलंग ले जाया गया और इसकी स्क्रैपिंग की गई। लेकिन इस जहाज के जाने के बाद भी लोगों के मन में काफी सारे सवाल थे कि जब यह जहाज बहते हुए जुहू बीच आया था तो किसी ने देखा कैसे नहीं, क्योंकि जुहू बीच के पास में ही बांद्रा वाली सीलिंग और ऑयल रिफाइनरी है जिस पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उनकी नज़र में यह जहाज क्यों नहीं आया? चलिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ते हैं, कोस्टल गार्ड के नौजवान सिपाही जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि इतना बड़ा एक जहाज जुहू बीच की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है, अगर उन्होंने उस जहाज को देखा था तो? दोस्तों, ये एमबी विजडम की एक रियल फुटेज है जुहू बीच की, जो किसी टूरिस्ट ने रिकॉर्ड की थी 2011 में। दोस्तों, मूवी में इस इंसिडेंट से कुछ बातें ली गई है। जैसा कि हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं कि जुहू बीच में अचानक से एक बड़ी सी शिप आके रुकती है जिसमें एक भी इंसान नहीं रहता, जस्ट लाइक एमबी विजडम। नाउ कमिंग टू द हॉरर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मूवी में शिप का नाम सीबर्ड शिप रहता है, एंड इन रियल सीबर्ड शिप की भी एक ऐसी ही रोमांचक स्टोरी है। सो मेकर्स द्वारा कुछ बातें एमबी विजडम से ली गई है और मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हॉरर वाला पॉइंट सीबर्ड शिप से। सो आई होप दोस्तों कि आपको अब समझ आ गया होगा, मूवी के रियल स्टोरी को लेकर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरी सीबर्ड शिप वाली स्टोरी नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर से एक बार देख लेना। और भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप फ्राइडे 21 को रिलीज हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे को ही मूवी देखकर आपको मूवी की रिव्यू और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दूँ। सो इफ अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लेनेशन और मूवी रिव्यू चाहिए, सो इसके लिए बस आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हर वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे
और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी स्टोरी या फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन और रिव्यू चाहिए। तब तक के लिए मैं अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।